अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? शारों का ठीक हो? अभी यार हम लोग आए बैठे, जरा पापा कहते हैं कि भाई जो लॉस सैंटोस की पुलिस है ना, इससे भी भाई डिस्कस करते हैं यार, क्योंकि आखिरी जो हमारे पास रास्ता रह जाता है ना भाई जान, वो यही है। तो यार अभी हम आए हुए, वो पापा और सामने जो है ना भाई जान, वो इधर एक पुलिस ऑफिसर रहता है, जानने वाला ही है वो, उसके साथ उनकी मीटिंग चल रही है। तो अभी चलो भाई, वो उनकी डिस्कशन हो जाए ना, फिर भाई पापा से पूछते हैं यार वो क्या कहता है। डॉक्टर अंकल, आपको क्या लगता है भाई, हेल्प करेंगे पुलिस वाले कुछ? हाँ हाँ जिमी करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे यार, ये एक वायद ऐसा डिपार्टमेंट है भाईजान, हेल्प करेगा हमें, क्यों नहीं करेगा, देखना ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, करेंगे जिमी साहब, देखना भाई आप क्यों नहीं करते हेल्प। चलो सही है भाई, देखते हैं भाई। यार इधर ही कहीं होगा फैजिक, तो लॉस सैंटोस इतना बड़ा है ना, कोई फ्लैट ले लिया होगा, गाड़ी उसने बेसमेंट में लगा दी होगी चुप करके। हाँ जी ये बात तो है यार, वैसे बात सही कर रहे हैं आप, कोई नहीं मिल जाएगा भाई, इधर ही होगा। हाँ जी एक तो यार मसला ख़त्म हुआ है ना गाइश, कल वाली यार जो टेंशन थी सही बात है बड़ी भाई, वो तो चलो ख़त्म होगी शुक्र है। बाकी अभी भाई पापा एक दफ़ा फ्री हो जाए भाई, मीटिंग कार्ड के तो फिर ही भाई पता चलेगा कि आखिर इसने क्या कहा है। इतनी लंबी भाई इनकी मीटिंग चल रही है यार, हम लोग तो पता नहीं कब से आए हुए यार, इधर ही बस वेट कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। यार जिमी आज तू कह रहा था मैं काम पे जाऊंगा, अरे नहीं यार दयाबू डील ही नहीं किया भाई, काम पे जाने को सही बात है, एक तो अकेला भाई नहीं बंदे का डील ही नहीं करता जाने को, फैजी शार्ट होता था ना तो चलो जरा एक्सपोर्ट होती थी। हाँ ये बात तो है भाई जी। सर देख लेना अगर जैसे आपके लिए ईजी हो। जी मैं उसको ऐसा कर लेता हूँ ना, मैं वायरलेस घुमा लेता हूँ, तो गाड़ी का नंबर जो है वो मैं वायरलेस पे बता दूँगा, जहाँ भी गाड़ी किसी चौकी से गुजरती है या जिधर भी, तो उधर हम उसे फिर ट्रैप कर लेंगे। बस बेस्ट, ये अब आपने लाजमी काम करना है, या तो बैक नंबर प्लेट जो है वो आपको जो नंबर बताया है वो लगी होगी, या इस पे लगा होगा नंबर, फैजी की प्लेट भी है लेकिन फैजी की प्लेट वो अभी लगाएगा नहीं बंदा, मुझे जहाँ तक शक पड़ता है ना। बस आपको गाड़ी की पिक्चर दिखा दी है। जी जी मैंने गाड़ी की पिक्चर भी वायरलेस पे घुमा दी है, अगर नंबर प्लेटें भी चेंज करके चला रहा हुआ ना जी, तो गाड़ी पकड़ी जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। क्या कोई गाड़ी चोरी चोरी होगी आपकी? नहीं थोड़ी लंबी स्टोरी है जी, चोरी तो नहीं हुई, ये एक जानने वाला बंदा ही है तो उसको ढूंढ रहे हैं असल में। अच्छा अच्छा अच्छा, पैसे देने हैं सर उसने आपके? बस समझ लें ऐसा ही कुछ है, अब उसने नंबर बंद कर दिया है तो उसने अब पैसे देने हैं ना हमें कुछ। ठीक ठीक ठीक, मैं आपकी बात समझ गया समझ गया। हाँ जी बस, तो अब क्या सीन है फिर आगे, अब ऑलमोस्ट कितना टाइम मैं वेट कर लूँ, आप क्या कहते हैं? सर कोशिश तो है हमारी जितना जल्दी हो सके। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है फिर, मैं फिर अब निकलता हूँ, तो बस आपसे यही थोड़ी डिस्कशन करनी थी, मैंने कहा अगर चलें आप घर पे ही हैं तो फिर मिल लेते हैं। नहीं नहीं बड़ा अच्छा किया आपने, घर ही आ गए बैठे, चाय शाय पी के जाए? नहीं नहीं चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं नाश्ता लेट करके आया था ज़रा। अच्छा अच्छा चले देख लेनी, तो मैंने कहा चाय तो लाजमी है। नहीं नहीं सर फिर किसी दिन पियेंगे, ये तो अब पड़ोसी हैं हम तो अब आपके। हाँ जी बिल्कुल यही बात है ये, चले ठीक है सर, ओके फिर। ओके भाई जान ओके। चलो भाई मैंने कहा यार हर दफ़ा की तरह भाई लॉस सैंटोस की जो पुलिस है ना भाई जान, ये यार काफ़ी हेल्पफुल है हमारे कामों में ना भाई, इन्होंने बड़ा साथ दिया है, तो इसलिए भाई मैंने सोचा यार इनसे भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं, ये साहब जो हैं ये जानने वाले ही मेरे अपने, तो ये तो कह रहे हैं कि भाई कोई मसला ही नहीं है, मैंने वायरलेस पे पिक्चर भी गाड़ी की घुमा दी है और नंबर भी बता दिया है, जैसे ही ये नंबर कहीं भी भाई शो होगा उसी पिकेट पर फैजी साहब पकड़े जाएंगे। भाई कल क्या रिपोर्ट है भाई? यार रिपोर्ट अभी ये है कि मेरी डिस्कशन तो होगी है सारी। अच्छा तो ये कह रहा है कि भाई मैंने LSPD जितने ग्रुप्स हैं हमारे और जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं, मैंने हर जगह ये गाड़ी की पिक्चर भी शेयर कर दी है और वायरलेस पे भी गाड़ी का नंबर बता दिया है। अच्छा अच्छा, तो कह रहा है कि पूरी कोशिश है जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना हम इसको ढूँढ के लाएँगे कहीं ना कहीं से। क्या बात है, चीटे चीटे लगे हैं बिल्कुल। हाँ कर लेंगे भाई कर लेंगे, यार मैंने तुझे बताया ये जानने वाला बंदा है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा। हाँ जी पापा कर लेगा कुछ। अच्छा माइकल अब मेरा कोई काम है नहीं? डॉक्टर साहब आपका क्या काम है भाई?
देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, आपका छोटा सा एक काम है यार माइकल। मैंने कहा भाई मेरा जो काम पेंडिंग पड़ा है भाई, आज अगर वो कर लें। और यार तेरा काम भाई रशीद, बहुत दूर जाना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ ये तो है भाई, दूर तो जाना पड़ेगा फिर। वो फिर किसी दिन चले जाएंगे यार। यार वो तो अभी मैंने बंडे को भाई होल्ड पे रखा हुआ है, उसको मैंने ऐसे किया ना, थोड़ा सा जो टोकन मनी है वो मैंने उसे भेज दिया। मैंने कहा ताकि गाड़ी जो है ना वो तो बुक कर ले वो। अच्छा, नहीं गाड़ी तुझे पसंद आई है माइकल? गाड़ी बहुत अच्छी है यार, मैंने जब तस्वीरों में देखी है गाड़ी, एक दफा मजा करवा रही है। ओ साइकिल वाले, अच्छा ओहो हो भाई मेरे साथ रेसिंग लगा रहे हैं। माइकल निकाल 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 भाई, तू निकाल क्या कर रहा है वो? ओह वो देखो वो देखो, अब एक और बंदे के साथ पंगा लिया उसने, तो ठंडा किया उसे आगे मारे पीछे से। चल कोई नहीं, जाने दे भाई जाने दे, आई है यार ये कोई। अच्छा हाँ, मैं कह रहा हूँ तुझे गाड़ी अच्छी लगी है? गाड़ी तो अच्छी लगी है यार माइकल। यार अभी ये जिस मसले में पड़े हुए हैं, वरना भाई चले जाना था यार, हमने इसमें कौन सा मसला था भाई, उसी दिन जाके गाड़ी ले आते। हाँ भाई क्या मसला है भाई? चलो मुड़ ही गया, अभी आगे आता ना इधर से, ज़रा उसे मैं बताता ज़रा। वो ऐसे करते हैं रशीद, थोड़ा सा यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो फिर हम चले जाएंगे, वो मसला नहीं है। तो थोड़ा सा अगर शेड्यूल फ्री होता है तो चलो अभी चले जाएंगे कुछ दिन में। अच्छा अच्छा चल सही है सही है। ये तो मैंने कहा खुद यार अकेले ना जाऊँ ना। और नहीं हो भाई, हाथ जोड़ता हूँ, अकेले ना जाएं। पहले भी तूने जो वीगो में भी किया था और जो तूने और भी गाड़ियाँ ली हैं, कभी कोई अच्छा पीस तू निकाल के लाया कहीं से? नहीं यार मैं तो नहीं निकाल के ला सका, बस इसीलिए कह रहा हूँ भाई से हेल्प ली फिर। हाँ हेल्प हेल्प, 24 घंटे हेल्प भाई मुझे चाहिए तेरी। बस ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा माइकल मेरा बताए ना। अरे यार डॉक्टर साहब बताएं आप। ओह आज जाना था ना यार वो शादी पे, आपको जो बताया हुआ था। अरे हाँ आज आपने शादी पे जाना था 12 को। हाँ जी बिल्कुल। किस टाइम? माइकल अभी थोड़ा ही टाइम रह गया यार, लेकिन अभी जाके ज़रा तैयार श्यार होऊंगा थोड़ा। अच्छा तो फिर आपको पहले फिर घर उतारें? देख लें घर उतार दें, या मैं इधर से भाई कोई राइड शेड करा लेता हूँ। और नहीं यार राइड क्या डॉक्टर, ये तो तेरा कार है भाई, तुझे उतार हटी है जाके। नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं यार। नहीं डॉक्टर साहब उतार आते हैं भाई, घर पे उतार आते हैं, कोई मसला ही नहीं, इधर से दस्ती जाएंगे। अच्छा चल सही है माइकल, ऐसे कर ले भाई, ज़बरदस्त सीन है ये। हाँ हाँ ये ठीक है भाई। डॉक्टर साहब अब क्या भाई, अब राइड बुक करवाएंगे इधर से, उस पे जाएंगे, अभी आपको दस्ती यहाँ से यूँ उतार आता हूँ। अच्छा चलें ठीक है माइकल, मैं तो कह रहा था आप ना लेट हो, आप कह रहे थे ना आगे भी जाना है, जहाँ अपने काम। हाँ काम ज़रा कुछ थे वो शोरूम की रिलेटेड है, लेकिन चल कोई बात नहीं यार माइकल। वो ठेकेदार भी ऊपर से मुझे कॉलें कर रहा है कल की। अरे यार एक तो इतने मसले खुले पड़े हैं ना इधर डॉक्टर साहब, अब मैं आपको क्या बताऊँ यार। माइकल वो तो मुझे पता है यार, सारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आजकल। हाँ ना भाई प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऊपर से उधर अब शोरूम का काम शुरू कराना है, दूसरा मसला वो घर वाला, घर भी अब आपने जो बोले हैं। हाँ जी माइकल वही, अब देखे ना टाइम ही नहीं है बिल्कुल, यही तो मसला है भाई, सारा शेड्यूल का मसला है, सिर्फ टाइम शेड्यूल का। और अभी तो बिल्कुल टाइम में दे ही नहीं सक रहा भाई, मैंने शोरूम भी जाना है आज, देखता हूँ अगर थोड़ा सा टाइम हुआ भाई जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाँ जी चले जाए माइकल, आज तो फ्री है यार। हाँ फ्री है, लेकिन मैंने कहा भाई अब ये बताएंगे ना LSPD वाले ये ना भाई आज ही हमें अलर्ट कर दें। हाँ ये बात तो है, तो वो इन्होंने मुझे भी यही कहा कि आपने यार शहर से बाहर नहीं जाना, हम फौरन आपको कॉल करेंगे और आपने उस लोकेशन पे पहुंच जाना है। अच्छा अच्छा फिर तो बड़ा मसला है। हाँ इसीलिए फिर मैंने कहा भाई एक जो बंदा है वो पक्का बुक रहे, अगर मैं कहीं जाऊँ भी ना या तो पीछे जिमी होगा या फिर रशीद होगा। हाँ जी पापा मैं 24 घंटे शार्ट हूँ यार, कोई मसला ही नहीं है। माइकल मैं भी इधर ही हूँ भाई, मैंने किधर जाना है यार। बस ठीक है, जैसी कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो दस्ती उसी टाइम भाई गाड़ी स्टार्ट करनी है और उस लोकेशन पे पहुँच जाना है। डन डन जी डन यार माइकल, कोई मसला ही नहीं है भाई, वो तू टेंशन ही ना ले, वो मेरा काम है। बस ठीक है चलो जी, बस डॉक्टर साहब को यार इनके घर उतारते हैं। मुझे अभी याद आया डॉक्टर साहब, असल में वही ये जो कल आपने वो मेरे से फूल लिए हैं। जी जी वही वही माइकल वही यार। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए फूल के भाई पैसे बचा लिए हैं, अब आज सलामी दे देंगे ज़रा। चलो सलामी में ये 500 ऊपर करके दे देंगे ज़रा। हाँ सही है सही है सही है, मैं समझ गया समझ गया। बस ठीक है जी, शुक्रिया यार माइकल। किस लिए? है फूलों के लिए भी, और यार ये जो अभी आप स्पेशल छोड़ने भी आ गए। मेरा क्या है इसमें, रशीद की गाड़ी है, रशीद का पेट्रोल है।
और नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है यार, डॉक्टर तू मेरा भाई है भाई, क्या हो गया तुझे? आई लव यू रशीद यार, लव यू, बस दुआओं में याद रखा कर। हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल यार याद रखता हूँ तुझे 24 घंटे, बस यही मुझे चाहिए। चलो सही है जी लड़का, ओके फिर। ओके जी ओके। चलो यार मैंने असल में जाना था शादी पे, आज शेड्यूल बड़ा शॉर्ट है, मैंने कहा ये लोग अपने काम काज करें ना, मैं तो भाई जाके पहले तैयार हो जाऊँ ठीक है, उसके बाद भाई फिर इतना ही टाइम है फिर शादी पे जाना होगा, तो आज तो भाई फिर रोटी शोटी खुली मिलेगी ना, रसकून से खाएंगे रोटी बैठ के। चलो सही है भाइयों, फिर मैं तैयार हो जाऊँ दस्ती फिर है निकलते हैं। ओके पापा मेरा भी एक छोटा सा काम था इधर। और तुम्हारा जिमी अब क्या काम है? पापा छोटा सा एक काम है इधर, जरा आप जाते हैं? अच्छा अच्छा जिमी इधर वो जाना है तूने जरा हैं स्पेशल पर्पस के लिए? नहीं नहीं यार टैबू, और अगर तूने जाना तो मैंने भी जाना है ना माइकल, इधर लगा यार साइड पे ये क्यारी है ना जरा, उधर नीचे छुप के बैठ जाते हैं। ओ यार वो कोई और बात कर रहा है रशीद, तू क्या यार पागल ही है वैसे? अरे नहीं यार टैबू मैं कोई और बात कर रहा हूँ, आप चुप करके बैठोगे? अच्छा मैंने कहा नहीं तो यार वो मैंने तो जाना है माइकल जरा स्पेशल पर्पस के लिए। यार एक तो तेरा जो स्पेशल पर्पस है, किधर जाना है तूने? माइकल आगे जाने दे भाई इधर से यार, नहीं अब वो घर से होके आया करो, बस 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 माइकल इधर गाड़ी लगा जरा। पागल तो नहीं है? सामने घर है यार, क्या कर रहा है रशीद? अच्छा अच्छा घर भी है यार, ये मसला है माइकल जरा। अब तू गाड़ी लगा, तू गाड़ी इधर ही लगा माइकल साइड पे। और यार इधर हार लगा डे, लगा डे इधर ही। क्या कर रहा है रशीद, पागल तो नहीं है? मैं आ रहा हूँ बस बैठ तू माइकल, मैं डस्टी आया। अच्छा चल सही है। चलो यार जाना था सर असल में थोड़ा काम, ऐसे तो मैं भाई घर से फ्री सी होके आता हूँ, लेकिन आज थोड़ा मसला हो गया, अभी यहाँ जगह नहीं है ना यार असल में, इधर नहीं भाई अभी देखना आपके टायर किधर जाएंगे। क्रूजर वाले भाई हो ब्रेक लगाओ, ओए कैसा जंगली है भाई, इधर से भी मैंने जगह देखी है भाई, उधर चलती है जरा, बस कोई वो ना भाई उधर ये नहीं पता, ऐसे पहाड़ों पे ना भाई जंगली चढ़े होते हैं हाइकिंग, ये इन्होंने चंगा नाम दिया भाई हाइकिंग। एक मिनट ठहरो ठहरो भाई देखने दो, अरे ओए 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 भाई मसला यार, एक तो एक मिनट ठहरो ऊपर इधर चढ़ते हैं, मैंने बड़ी प्यारी एक जगह देखी है। कोई है तो नहीं आस पास भाई? जरा ठहरो यार, आपके टायर जो है ना थोड़े जरा फ्री होने इधर से, ठीक है फिर नीचे जाते हैं इधर से, इधर बस जबरदस्त है भाई, देखा मैंने टायर ना कोई जगह भाई आपके टायर ढूंढ लेंगे। चलो सही है फिर बचो, मैं जरा एक मिनट बिजी हो गया हूँ ना थोड़ा, बाद में बात होती है आपसे। ओके फिर। पता नहीं किधर गया है यार, मैं इधर से साइड मिरर में देख रहा था कहीं ऊपर चढ़ के गया है, देख लें टैबू किधर चली गई है, पता नहीं क्या पागल ही है भाई, किधर पहुंच गया है यार ये, इधर से तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा यार, पता नहीं किधर गया है इसके। एक तो जो भाई अनोखी काम है वैसे, ये देखो ये कोई चढ़ के जाना है इधर से, ये कोई आसान काम है, पता नहीं क्या ही बोलूँ यार अब वैसे इससे, थोड़ा वेट करते हैं भाई, पता नहीं किधर रह गया। चलो भाई अब को सुकून मिला ना यार, असल में भाई आपके टायर जो है ना भाई जरा पता है फिर बुजुर्ग बनने हैं मुश्किल होती है ना थोड़ी जरा, और यहाँ मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ भाई, ओए ये देखो ना यार इधर से वो देखो माइकल उतरा हुआ है भाई गाड़ी से, वो मुझे नजर आया है। ओए पागल, ओए 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 गिरेगा, क्या आवाजें दे रहा है पता नहीं मुझे भाई के डर से यार, एक मिनट नीचे उठो। आहिस्ता ओए आहिस्ता, आवाज भी दे रहा हूँ कि भाई गिरेगा, ओए 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 क्या कर रहा है? चल शुक्र है भाई आ गया तू, ऐसे भाग के आ रहा है क्या हो गई, डर गया रशीद? और नहीं नहीं डरा नहीं, बस बस माइकल निकल निकल यार इधर से निकले। अच्छा आ जा भाई बैठ जा बैठ जा, आखिर तू आ गई आके बैठा है। और यार मैंने कहा जिमी को ना टांग करे ना फिर, नहीं नहीं टहबू अब आ गई बैठो भाई जब जगह खाली है तो। वो आया तू?
हाँ माइकल, हुआ है भाई इतना, एक तो तूने टाइम लगा दिया भाई, मैं देख रहा हूँ पता नहीं खैरियत हो कहीं गिर ही ना गया ऊपर, और नहीं जी गिरता नहीं हो यार, ये हमारे पुराने काम है। वाह टैबू क्या बात है भाई, टालियाँ होनी चाहिए आपके लिए तो मैं कहता हूँ। अच्छा माइकल तू बता भाई अभी किधर जा रहे हैं? यार अभी मैं देख रहा हूँ इधर से जिमी साहब का ऑर्डर मिला है कि भाई इधर कोई काम है जिमी का, कोई पार्सल ही आया होगा एज यूजुअल। हाँ जी पापा एक आया था, वो उसको बस रिटर्न किया था तो उसके वो थोड़े मसले में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, बस जितना मैंने तुम्हें टाइम बताया है ना 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से फ्री हो फिर शोरूम जाना है। पापा यूँ 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 डस्टी डस्टी हुए। चलो सही है भाई, गाड़ी अंदर ही ले जाता हूँ। बस 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 पापा इडरी लगा दें, बस काफ़ी है इडरी। क्या हो गया? अरे बस बस इडरी लगा दें सामने, बस पापा इडरी ठीक है, इधर धूप में लगा दी है ना, क्यों टाया वो देखें गाड़ी भी धूप में खड़ी है, और यार धूप में लगाई है माइकल तूने यार, इधर सेका बड़ा है। अच्छा भाई सबर करो यार, फिर उधर लगाएं पापा, उधर पीछे कार के सुकून से लगाएंगे, इधर पीछे। अच्छा अच्छा ठहरो ठहरो, बस 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 इधर लगा दे ना ये, ऐह देखे। हाँ माइकल देखा कर ना भाई, तूने धूप में लगाई हुई थी बिल्कुल, वो गर्मी हो जानी थी उधर। और मैं यूं आया डस्टी यार, मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया था गाइस, वो करने वाला था जो मैंने कहा भाई, जो हमने यार इधर से अपनी बुकिंग कराई हुई है भाई, गाड़ी का भी दिया हुआ वो सारा पैटर्न, वो तो भाई बंद कराऊँ ना, रेश की ड्रब होनी है भाई, फैजी है नहीं तो पहले पापा ने गाड़ी इधर सामने लगा दी थी ना, मैंने कहा भाई देखेंगे वो कहेंगे कि मैं किधर जा रहा हूँ अंडर उधर वो स्टेडियम रोड वाली साइड पर, अभी ये कि चलो नज़र नहीं आ रहा ना यहाँ से, ऐसी लगेगा पार्सल उठाने गया हूँ यहाँ से अंडर। जरा उसकी मैंने कहा भाई बुकिंग तो कैंसिल करा के लाए ना, वो खैर है भाई रेशिश फिर आती रहती है बीच में, दोबारा आएगी ना, अभी आ जाती है इनका वो नया इवेंट स्टार्ट हो जाता है तो उधर भाई एंट्री करा देंगी। ये देखो टैबू उधर गए हैं भाई, यहाँ आ जाते स्पेशल जगह बनी हुई थी टैबू का बंडा, आप क्या ही बोले असल में अनपढ़ ने पढ़े लिखे नहीं है तो भाई इसी वजह से फिर। अरे जिमी किधर रह गया यार, एक तो बारिश भी ऐसी अचानक आई है ना, मैंने कहा भाई दस्ती निकल जाए ज़रा यहाँ से शोरूम पहुँच जाए। पापा मैं आ गया हूँ आ गया हूँ। ओह आ गया आ गया, चलो बैठो बैठो भाई जल्दी करो। बस बैठ गया हूँ। हाँ तेरा काम हो गया जिमी? हाँ हो गया टैब, वो शुक्र है हो गया यार, इतना रश नहीं था असल में ऑफिस में। अच्छा अच्छा चलो ठीक है यार, अब शोरूम पहुँचे बस। दस्ती बारिश आ गई है पापा, अचानक दिखे ज़रा। हाँ भाई आज एक तो गर्मी भी काफ़ी थी, चलो अच्छा है ज़रा बारिश आज हो जाएगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा ज़रा। हाँ ये तो है भाई माइकल, बारिश होगी ना ज़रा और ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। बस ये रशीद साहब आपने जो गाड़ियाँ चमकाई हुई थी ना वो फिर अब कोई नहीं, चल दोबारा चमका लेंगे, यो तो मेरा शौक है ना भाई। हाँ वे तो भाई अब तुम लोगों का शौक है, मुझसे तो भाई ऐसी सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। बस शौक शौक की बात है ना भाई। हाँ शौक की बात है, तू अब बुजुर्ग बंदा हो के भाई ऐसी गाड़ियाँ चमका देता है, और मेरे से तो भाई शीशे तक नहीं साफ होते, सिर्फ हल्का सा बनाता हूँ यूँ गीला कपड़े में मिक्सचर, वो भाई ऐसा कीचड़ बना देता है, मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ। और नहीं नहीं माइकल वो ग्रिप की बात होती है ना सारी, तेरे से सफाई होगी भी नहीं भाई, इसलिए कहा तेरी गाड़ियाँ जो हैं वो मैं करूँ तो बेस्ट है। हाँ वो तो ज़बरदस्त है यार ज़बरदस्त, वो तो भाई बस शोरूम जा रहे सीधा। हाँ हाँ अभी शोरूम चलते हैं यार, ज़रा थोड़ा काम काज देखे ना भाई, वो भी काम ज़रूरी है ना, बाकी भी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो तो चलते रहते हैं ना साथ साथ, लेकिन बंदा अपने अब शोरूम को तो निगलेक्ट ना करे ना। हाँ ये बात तूने बहुत अच्छी बात की है, सही अक्लमंदों वाली बात की है, क्योंकि पहले भी यार ये मैं गलती कर चुका हूँ एक दफ़ा, क्योंकि कुछ और हमने ऐसी भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जिस वजह से भाई शोरूम काफ़ी निगलेक्ट हुआ, उस तरह ये था कि भाई कस्टमर का जो रिस्पांस था वो भी कम हो गया, और हमारी गाड़ियों का भी भाई स्टॉक वगैरह इतना नहीं था ना, तो अभी तो ये है कि चलो यार चलता रहता है, कोई हमने गाड़ी सेल कर ली, किसी कस्टमर ने आके हमें कोई बेच दी। हाँ ये तो है माइकल ऐसी है यार, तो इसलिए अब मैंने कहा भाई जान ये वाली गलती जो है ना अब हम दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा भाई मैंने सबक सीख लिया। नहीं नहीं शोरूम तो भाई देख बिजनेस जो है ना माइकल, जितना तू अच्छे से करेगा वो कहीं भी नहीं जाता भाई। हाँ ना लेकिन उसकी शर्त यह है कि भाई खोलना पड़ता है ना काम जाके, ऐसे घर बैठ के नहीं होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जिमी साहब को तो क्या ही बोलूँ, और जिमी को मैं सीधा करता हूँ, चल भाई जिमी।
कल हम वर्कशॉप पे जा रहे हैं भाई, मैं और तू। टैबू बस कुछ भी टाया शाया नहीं, बस जाना है कल वर्कशॉप पे जाएंगे दोनों इकट्ठे, मैं तेरे साथ हेल्प कराऊंगा ऑर्डर। अच्छा चलें, सही है टैबू, अगर आप कह रहे हैं तो भाई मान लेता हूँ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे माना कर भाई की बात। ए भाई की और मतलब मैं तुझे फैंसी बांध के दिखाऊंगा ना भाई। अच्छा जी चलो सही है सही है, वो आ जाएगा भाई, फैजी भी आ जाएगा यार, दो दिन का बस उसका ये जोश है, अभी पता लग जाएगा उसे एक दफ़ा, जब पता चलेगा ना वो फिर खुद वापस आएगा। तुमसे जिमी वो सॉरी करेगा, तुम तो करोगे ही करोगे ना, वो भी करेगा कि मैंने ज़रा जज्बाती फैसला कर लिया था। हाँ क्या कह सकते हैं पापा, बिल्कुल भाई देख लेंगे ये तो। मैं तो कह तुम अगर जो आपने बोला ऐसी हो तो क्या ही बात है। ओ होगा होगा यार, मैं जो बता रहा हूँ जिमी, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है यार, मैं समझता हूँ ना, क्यों भाई रशीद साहब। हाँ हाँ माइकल टेरा तो जितना एक्सपीरियंस है भाई, मैं कहता हूँ इन्होंने तो उतनी आधी जिंदगी भी नहीं देखी अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर से ले आए भाई। ओहो ये दस्ती भाई, इधर से ये है शोरूम पहुँच गए। और यार गलत आया ना इधर, अंदर से आटा। बस बस ये पहुँच गए भाई, ए चलो चल मैं जरा फिर कुछ सेले मार लेता हूँ जरा रेड्स कैफे पे। हाँ हाँ बेस्ट बेस्ट भाई, अभी शोरूम पे आया कि कोई नहीं। नहीं नहीं कोई भी नहीं भाई, किसने होना है यार, ताले लगे हैं सारे। ओए और ये किधर से आया वे, ये किधर आया वे भाई, पता नहीं पूछ रहा। चल एक मिनट पता करता हूँ भाई, गाड़ी तो पहले ज़रा पार्क कर दूँ। हाँ पता कर, ये किधर आया वे भाई, पता नहीं किस चक्कर में आया हुआ, आके अब चलो पूछते हैं भाई, एक मिनट ज़रा पहले गाड़ी पार्क कर दें ज़रा इधर। चलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माइकल साहब। हाँ मैं तो ठीक हूँ आकिब, तू बता भाई खैरियत है किधर। ओ जी माइकल साहब बस ज़रा मैंने कहा आज चलते हैं, दिल खा रहा था काम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा चलो जी वर्कशॉप तो खोलें अपनी। अब बड़ा अच्छा किया यार। आप बताएं माइकल साहब, गायब हुए थे बड़े दिनों के। ओ बस यार काम काज थे कुछ उधर बिजी, शोरूम नहीं खोला। नहीं जी वो चाबियां जो हैं वो तो जिमी के पास। हाँ जिमी के पास नहीं हो, मेरे पास ही है। चल एक मिनट आ जाए यार मैं खोल देता हूँ, एक चाबियां जो है यार मैंने ज़रा आकिब को भी देनी है, ताकि अगर मैं ना हूँ ना भाई पीछे से, तो भाईजान इसके पास यार ज़रा चाबियां हो ये खोल ले। एक मिनट इसका ये वाला लॉक है, एक मिनट ठहरो ठहरो ठहरो, अभी करते हैं भाई इसको ओपन। ये चलो ज़बरदस्त हो गया भाई, आ जाओ जी आ जाओ। ओए हो बहुत गंदा हुआ है यार शोरूम अंदर से, ये जो यार फ्लोर है ना इसको तो भाईजान मैंने पहली फुर्सत में यार चेंज करना है कुछ ना कुछ करके भाई, क्योंकि देख रहे हो अभी यार कुछ दिन शोरूम बंद रहे, लेकिन क्या हालत बन गई है यार जिमी, देख रहे हो फ्लोर। हाँ जी पापा मैं देख रहा हूँ भाई फ्लोर यार, क्या ओए होए होए जरा चेंजिंग तो बनती है ना फिर। हाँ चेंजिंग तो बनती है यार, बड़ा मसला है ना असल में, अब काम शुरू करवाना था इन दिनों में, लेकिन अब ऊपर से भाई घर वाला प्रॉब्लम भी है, घर भी ढूंढ रहे हैं और ज़रा दो तीन मसले इकट्ठे हो गए हैं ना। चलें पापा कोई बात नहीं भाई, खैर है लाइफ है फिर, लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं। नहीं नहीं मैं तो यार लेट डाउन नहीं होता इन चीज़ों से, खैर है कोई बात नहीं भाई, जो होगा देखी जाएगी बाद में। हाँ जी बिल्कुल, बाकी अभी जो मेन गाइस मेरा टू डू लिस्ट पे यार काम करने वाले हैं ना, एक तो है कि भाई ये वाला जो ऑफिस है इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होंगी, और उसके बाद ये वाला जो फ्लोर है फ्लोर मैंने चेंज कर देना है, ठीक है फ्लोर जो है ना अब ये मैं कलर चेंज करके लगाऊंगा, और फिर उसके बाद देखते हैं भाई कुछ और भी मैंने प्लानिंग की भी तो है इधर वॉल डेकोरेशन की भी। बाकी मेरे ख्याल से भाई रैंप्स वगैरह जो हैं वो तो हमारा सारा सिस्टम प्रॉपर है, उसके बाद एक ये वाला जो डेस्क है ना भाई इसको मेरे ख्याल से अगर यहाँ से हम उठवा दें तो हमारे पास जगह काफ़ी बन जाएगी डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में भी एक मैं थोड़ा सा ज़रा यूनिक चीज़ लेके आ रहा हूँ, वो अभी आपने बाकी जो लॉस सेंटोस के शोरूम्स हैं ना उधर शायद वो ना देखी हो, तो वो अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस पर भी, मैंने वो ऑर्डर दे दिया है, वो भी अब जैसे ही काम शुरू होगा तो उसका भी भजन शुरू हो जाएगा साथ ही हमारा वर्किंग। और एक मेरा थोड़ा प्लान था कि भाई ये वाली जो हमारी पार्किंग है ना अपनी, इसको भी भाई थोड़ा कवर किया जाए, क्यों क्या कहते हो भाई। अब देखो जैसे अभी मौसम हो गया ठीक है, अपनी गाड़ियां खड़ी होती हैं
तो ज़रा अपनी गाड़ियाँ भी इधर सेफ रहे ना, तो उसके लिए भी आप देखना है। लेकिन फिर एक ये चक्कर भी मैं सोच रहा था कि भाई अगर यहाँ शेड लगा दिया तो ये शोरूम की जो फ्रंट है ना ये बड़ा ख़राब हो जाएगा, तो उसी का बस चक्कर समझ नहीं आ रहा। या तो इधर यार हम एक शेड बना दें, इधर लगा दिया करें गाड़ियाँ। पापा इधर सही है भाई, यहाँ रिवाइज करके गाड़ियाँ लगा दी इधर। हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ यार, करते हैं भाई करते हैं। अभी पिछले दिनों जितना भाईजान मैंने सोचा हुआ था ना सारा यार माइंड में अपने, मैंने कहा भाई काम शुरू कराते हैं, ठेकेदार भी आ गया, वर्किंग भी होगी। लेकिन गाइस आपके सामने यार जो सीन सारे चल रहे हैं बस इस वजह से डिले आ रहा है, वरना तो भाई मैंने यूं काम शुरू कराना था। ओहो आपने भी कहना था माइकल भाई आपने जो काम शुरू कराया है ना, ओह एक काम दूसरा काम तीसरा, मैं कहा तुम ज़बरदस्त काम हो जाना था। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, अब थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं। फिर रशीद किधर गया है? टैबू टोंडरी गया है ना रेड कैफ़े में। चलो वो तो भाई अपने कैफ़े वाली साइड पे है, मैं ज़रा फिर यार अपने शो ऑफिस को भी देखते हैं। हम ज़रा बैठते हैं भाईजान अपने ऑफिस के अंदर। आह क्या बात है जी, अपना ऑफिस जो है ना यार इसको मैं नहीं छेड़ूंगा बिल्कुल भी। ये क्योंकि ज़बरदस्त है भाई, चेक कर रहे हो ये फिट है, इसको नहीं छेड़ेंगे। क्यों जिमी? पापा ये तो भाई बेस्ट है, पहली इसमें आपने आशा प्रॉपर शटअप किया हुआ ना, सही फील आती है, एक दफ़ा VIP बंडे आते हैं इधर। हाँ ना जी यही बात है यही बात है। चलो अब ज़रा थोड़ा बहुत भाई जो करने वाला काम है अब वो करते हैं। पापा मैं ऊपर चला जाऊँ? तुम्हारा ऊपर ऑफिस ख़त्म है भाई, अब तुम जाना है तो वर्कशॉप में जाओ उधर अपनी वो जो है। अरे नहीं यार पापा ऐसे तो ना कहीं, ऊपर भी तो मेरा ऑफिस था ना भाई, अब वो भी चेंज हो रहा है सारा। अरे अभी तो हुआ तो नहीं है ना, मेरा कंप्यूटर तो पड़ा है ना ऊपर। हाँ हाँ पड़ा हुआ पड़ा हुआ। चले उस पर जरा जाके GTL लगा देता हूँ, थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा लगा लो भाई, उस पर चलती है GTL? पापा वो जो इधर वाला मोनीटर है ना उस पर चल जाती है, उसकी रैम जो है ना वो मैंने 8GB करा दी है। अच्छा 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 तभी वही मैंने कहा भाई ये मेरे वाले जो हैं ये तो भाई पता नहीं 4-4GB की इनकी रैम्स हैं। हाँ नहीं ऊपर जो पड़े हैं उसको मैंने 8GB की रैम की है और उसका तो वो हैवी शटअप है पापा। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, ये जो तुम यूज मोनीटर और वो लाए थे। हाँ जी पापा वही वही। चलो सही है तुम भी करो, मैं भी ज़रा फिर अपना थोड़ा काम कर लूँ। चलें सही है पापा, आप भी कर लें भाई, मैं भी करता हूँ। चलो गाइस जिमी साहब जो है भाई ऊपर जाके अपना काम करेंगे, बाकी मैं अब करता हूँ भाई अपना जो थोड़ा यार डाटा एंट्री का काम है, तो फिर आप लोगों से भाई बाद में मुलाकात हो गई।